शक्ति मैन, मेल्स के अंदर आज इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। जो हम सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात करते हैं उसके अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो और आप स्ट्रेस से घिरे नहीं हो। तो जहां पे मूड लो रहेगा, स्ट्रेस ज्यादा इफेक्टेड रहेगा, हार्मोनल इम्बेलेंस रहेंगे और ब्लड आपकी जो रहेगा लिंग में तनाव नहीं होगा तो ये प्रोसेस नहीं होते हैं। तो इम्यूनिटी लो होगा तो वहां पर भी रिजल्ट आपको इफेक्ट करेंगे। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये नेचुरल फॉर्मुलेशन है जो नेचुरल वे में आपकी इन परेशानियों का समाधान देता है आपको। इसमें अर्जुना है, जैवित्री है, जयफल है, केसर है, अश्वगंधा है, पंजसलम है और सफेद मुजली और सफेद तिल जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं। अर्जुना, जैवित्री, जयफल क्या करते हैं, ये जो हमारा बेसिकली पीनस है उसके अंदर जो इरेक्शन है उसको इंप्रूव करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज कराते हुए जो हमारे लिंग के तनाव को उसको मेंटेन करके रखते हैं। देन अश्वगंधा, पंजसलम, सफेद मुजली की बात करें, ये स्ट्रेस को कम करता है और डिजायर जो आपकी इच्छा है उसको इंप्रूव करके रखता है। सफेद तिल बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है इसके अंदर जो स्पर्म काउंट को इंप्रूव करता है, उनकी प्रोडक्शन की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। तो इस तमाम तरह के इंग्रेडिएंट नेचुरल वे के अंदर आपके जो सिस्टम है उसको इंप्रूव करता है। ये वायग्रा की तरह काम नहीं करता है, ये ग्रेजुअली इंप्रूव करेगा आपकी जो शरीर की कमियां हैं उनको पूरा करेगा और हेल्दी आपके सिस्टम को करने के बाद आपकी डिजायर और बेसिकली परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है ये ट्रैंक्विलाइजर। अदरवाइज मार्केट में क्या रहता है, मार्केट में ट्रैंक्विलाइजर एंड नाइट्रिक बूस्टर्स आते हैं जिनके अपने साइड इफेक्ट्स है, इवन हार्ट अटैक तक बहुत कॉमन पॉसिबल है। लेकिन हमारे इस प्रोडक्ट के साथ ऐसा किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको रेगुलर लेना है लेकिन लॉन्ग टर्म में यूज करना है। ये वायग्रा की तरह काम नहीं करेगा, ये बेसिकली 3-4-5 महीने आपको इसको रेगुलर लेना पड़ेगा और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको और भी ज्यादा समय लग सकता है क्योंकि ये बहुत कॉमन है डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर इस तरह की परेशानी का होना। किनको हम रिकमेंड करते हैं, इनको सेक्स रिलेटेड इच्छा कम रहती है या वाइटलिटी एनर्जी लेवल लो रहता है वो भी इसको ले सकते हैं। सिर्फ सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हम इसको नहीं लेना, हम जनरल वाइटलाइजर भी इसको ले सकते हैं, दिन में एक कैप्सूल आप इसको यूज कर सकते हैं। माइक्रो सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा, लिबर्टी जो सेक्स की इच्छा है उसको बेसिकली इंप्रूव करेगा अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं, अदरवाइज आपकी जनरल बॉडी की जो एनर्जी है उसको मेंटेन करके रखता है। आप बेसिकली 3 कैप्सूल एक दिन में ले सकते हैं, 2 कैप्सूल मॉर्निंग में और 1 कैप्सूल शाम में। जब भी आप कोई फॉर्मुलेशन किसी को भी शुरू करते हैं हमें, क्योंकि ये नहीं पता कि हो सकता है कि कोई शख्स किसी हर्ब से एलर्जिक हो, एलर्जिक होना साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी किसी चीज से एलर्जिक हो सकता है, तो आप उसको हमेशा कम क्वांटिटी से शुरू करें, धीरे धीरे उसको बिल्डअप कर दें, लेकिन जल्दी उसको बिल्डअप कर दें, जो उसकी रिक्वायर्ड डोज है वो उसको जरूर दें लेकिन एक कम क्वांटिटी से यूज करके, तो आप हमेशा सेफ गार्ड रहेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली ये सेम चीजें, नॉन सेडेटिव है, किसी तरह का कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट नहीं है, ये इसके आप आदि नहीं होंगे और ये रूट कॉज पे काम करता है, इरेक्शन को इंप्रूव करेगा, डिजायर इंप्रूव करेगा और आपका स्पर्म प्रोडक्शन को भी इंप्रूव करेगा। अब चलते हैं हमारे